भगवान शिव का अति प्रिय श्रावण शुरू होते ही इसमें भगवान शिव का अभिषेक पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर होंगे। श्रावण में काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा अर्चना करने का महत्व है। यह बात छोटी हंडी स्थित हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज ने सुमाणी परिवार द्वारा कराए गए अभिषेक के दौरान कही। वहीं श्रावण को देखते हुए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। ऐतिहासिक स्थान हंडी स्थित टेकरी हनुमान मंदिर में केसरीमल सुमाणी परिवार द्वारा 11,000 शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर में श्रावण के प्रत्येक दिन धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं श्री हरि नाम संकीर्तन रामायण सुंदरकांड भजन संध्या मंडल सुहाव दमोह मध्य प्रदेश द्वारा भजन कीर्तन किया गया। सुमाणी परिवार की विशाखा ने बताया कि श्रावण में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। इससे दोषों से मुक्ति मिलती है व सुख शांति मिलती है। इस दौरान महेश सुमाणी, राजेंद्र सुमाणी, दिनेश सुमाणी, अर्पित अर्चित, अविलवी, हर्ष, गोपी दादा, नीरू चतुर्वेदी सहित कई भक्त लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। भक्त भक्ति भगवंति गुरु चतुर नाम बपुए कि भगवंदन किए ना सतुवी। श्रावण मास में यहाँ पर 11,000 पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन निर्माण होता है और विसर्जन होता है। सभी भक्तों के क्रमशः आज किसी का नंबर है, कल किसी का नंबर है, ऐसा पूरा श्रावण मास चलेगा। और अखंड हरिनाम कीर्तन दमोह से मंडली आई है, पूरे श्रावण मास अखंड पाठ चलेगा और प्रतिदिन जहाँ ब्राह्मणों का भोजन, संतों का भोजन हमेशा चलता रहता है और सभी भक्तों के सहयोग से। आप काठियावाड़ी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, वृंदावन में हमारी परंपरा है काठियावाड़ी, काठ का एक ओपिन होता है, काठ की लंगोट होती है। और भारत में कम से कम 500 साल होंगे पूरे। इसका धारण आपने कब किया था और किस उद्देश्य को लेकर किया? नहीं, ये आश्रम से ही परंपरा है, जहाँ आश्रम से ही डलता है ये लंगोट। और इसकी परंपरा जो है, ज़्यादा सो नहीं पाते, भगवान का चिंतन होता रहता है और महापुरुषों की यूज से परंपरा है। अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 को लेकर के आप अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, सबको समझाया, देखो ऐसा है, प्रकृति छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अपने धर्म पे रहना चाहिए। लोग धर्म से अलग होते जा रहे हैं, इसलिए खूब बढ़ते जा रहे हैं। लिखा गया है और कहा गया है, इसी के साथ सभी भक्तों को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरुदेव की तरफ से आप सभी को नमस्ते, सोमानी परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज हमने यहाँ मनोकामना पूर्ण हनुमान जी के यहाँ पर 11,008 शिवलिंग की पूजा करी। पहले सुबह में हमने शिवलिंग की पूजा आराधना सब की थी, नवग्रह देवता उन सब की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद हमने पूरे परिवार ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, हवन किया, अभिषेक किया, दूध पंचामृत शहद सबसे अभिषेक किया, जिसका हम सब ने बहुत आनंद उठाया। भजन मंडली से 4 चांद लग गए थे, उससे हमारा बहुत आनंद रहा और हम इसीलिए सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं। किन उद्देश्य को लेकर के आपने 11,000 शिवलिंग का अभिषेक किया है? श्रावण मास है और सोमवार है, तो उस उद्देश्य को लेकर हमने आज अभिषेक करवाया था। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।